देखिए, ये व्याकुल भारत है, मैं कई बार कह चुका हूं, ये व्याकुल भारत है। तो व्याकुल भारत आज व्याकुलता के साथ भारत में घूम रहे हैं। विपक्षी एकता, कौन सी विपक्षी एकता? ये खुद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, किसको मनाने जा रहे हैं? नवीन पटनायक जी को तो मना करके आ गए, नवीन जी ने इनको बता दिया कि क्या होता है विपक्षी एकता। ये बिहार को संभाले या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के ये काम शुरू करें। बिहार जल रहा है, बिहार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ रही है। मैं बेगूसराय में देख रहा हूं कि हर दिन हत्या लूट हो रहा है, और ये चले हैं अपन ब्याह ने और सूरदास के बर्तुहारी। अपना बिहार संभल नहीं रहा है, और देश को संभालने के लिए भी विपक्षी एकता करते हैं। उबा मुफ्ती कश्मीर में आतंक फैलाई, अब एक दूसरे आतंक फैलाने वाले आक्रांताओं को टीपू सुल्तान के मजार पर वो पूजा करें, नवाज पढ़ें, जो करना हो करें, लेकिन टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ा। टीपू सुल्तान भी आया था भारत को लूटने के लिए, अब भारत को लूट करके भारत में अपना शासन किया। एक आक्रांता, फिर वो अंग्रेज आए, तब वो अपने शासन को बचाने के लिए भारत के संस्कृति उसने वो भी लुटेरा, अंग्रेज भी लुटेरा। और महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों का संरक्षक। मैं साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओबेसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को लगा रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी। और ये 70 साल पहले, देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओबेसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं।